हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करने वाले हैं DMDF और जर्नी वाली रीडिंग, और देखेंगे कि गाइस क्या चल रहा है आपके DM की एनर्जी में, क्या है आपकी एनर्जी में, और जर्नी कहाँ जा रही है। बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग हो रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। जून में लोग अपने DM से बात तो कर पा रहे हैं, लेकिन जब बात कर रहे हैं तो कुछ अलग ही मतलब निकल रहा है, कुछ अलग ही। मैंने बहुत सारे DF से बात की तो उनका तो मतलब DM से बात करके सुपर ट्रिगर हो चुके हैं वो। तो एनर्जीज बहुत ये है कि अगर आप अपने DM से बात करोगे तो आप ट्रिगर ही हो जाओगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। पर तभी भी चेक करते हैं कि आपके DM के एनर्जीज क्या है। बट उससे पहले गाइस लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग, हीलिंग या क्रिस्टल्स खरीदना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइस कल मैंने एक इम्पॉर्टेंट डाउनलोड डाला था, और वो ये डाउनलोड था कि ये बहुत ही कुछ ही कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। मैंने सोचा इसको पहले बता देती हूँ फिर रीडिंग करते हैं, कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन को लगता है ठीक है कि आपके वजह से उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लाइक उनकी लाइफ में आप उनकी शादी तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ दे आर मैरिड, और अगर वो मैरिड नहीं भी है तो उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके वजह से आ रहे हैं ना, तो उनको ट्विन फ्लेम के जर्नी के बारे में सीधे सीधे बता दो कि भाई हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ऐसा वैसा, इसके वजह से तुमको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ना कि हमारे वजह से। और अगर उनको ऐसे तभी भी उस चीज़ पर विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मेरे को गारंटी है उनको उस चीज़ पर विश्वास नहीं होगा। तो गाइज आपको फुल फ्रीडम है उनको ब्लॉक करने का, प्लीज ब्लॉक देम ठीक है गाइज, क्योंकि अगर वो ऐसे मेंटालिटी में है तो वो आपको पनिश करना चाहेंगे, आपके साथ गलत करना चाहेंगे। जो भी उनके साथ गलत होगा वो सोचेंगे आपके वजह से हो रहा है, और फिर वो आपके साथ आपको स्टक रखने की कोशिश करेंगे, और नेगेटिव एनर्जीज वो आप पे डालेंगे। तो ऐसी एनर्जी की हमको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ठीक है। कट कर दो उनको, ब्लॉक कर दो उनके साथ सारे एनर्जी कॉर्ड्स, कट कर दो। और अगर आपसे नहीं होता है ये सब तो आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपके लिए कर दूंगी। दूर रहे ऐसे DM से, भले ही DM जो है आपके ट्विन फ्लेम हो और वो ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, DM जब तक रियलाइज नहीं हो जाता तब तक उसको कार्मिक ही समझो। तो अगर वो कार्मिक पैटर्न्स आपके साथ कर रहे हैं या आपके कार्मिक पैटर्न्स को मिरर कर रहे हैं तो उनको दूर ही रखना ज़रूरी है ठीक है। दूर ही रहने दो उनको, चाहे वो DM हो या कोई भी हो, हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान की जो हमें इतना हर्ट करे ठीक है गाइस। तो लेट देम बी ठीक है, और बाद में एनर्जी कॉर्ड्स कट कर दो, सब कर दो, लेकिन ये मत करना कि भाई हमको यूनियन ही नहीं चाहिए, ये भगवान के ऊपर छोड़ दो, सरेंडर कर दो। जब भगवान ने इतना ब्यूटीफुल यूनिवर्स बनाया, हमको आपको बनाया है, तो वो सब सही भी कर देंगे, सब कुछ उनके ही भरोसे छोड़ दो। ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को एंजाइटी हो जाती है, वी वांट टू कंट्रोल द सिचुएशन, हम लोग बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, हीलिंग करने की कोशिश करते हैं, हमारे DM को पॉजिटिव लव एनर्जी सेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव लव एनर्जीज वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जीज या लव जो हम उनको सेंड कर रहे हैं या केयर और कंसर्न से उनके बारे में सोच भी रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि हम उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो जस्ट लीव इट, दे डोंट डिजर्व इट ठीक है गाइज। और चलिए हम अपनी रीडिंग में आगे बढ़ जाते हैं, इसे आगे कुछ बोलने को है नहीं ठीक है। तो चलिए देखते हैं DM की करंट एनर्जीज क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है टावर ठीक है, और देखते हैं गाइज DF की क्या एनर्जीज है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज भी लेंगे आज, बहुत इम्पोर्टेंट है। यिंग यांग बैलेंस हो रही है, डिवाइन फेमिनिन बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन के लिए। 2022 में बैलेंस आ रहा है, देखिए गाइज मैं कोई आपको दिखाना ज़रूरी, मैं दिखाती भी लेकिन ये चीज़ दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और चलिए देखते हैं आगे जर्नी में क्या आने वाला है ठीक है गाइज। और फिर मैं कुछ चार्म्स भी यूज़ करूँगी ताकि आप लोग को एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है ठीक है।
पैशन है बॉटम ऑफ द डेक, एनर्जीज देखते हैं उसका क्या होता है। गाइस मैं थोड़ा सा एडवाइस भी करूंगी चक्रांस के बेसिस पे आज आप लोगों को जर्नी के लिए, तो देखते हैं क्या निकल के आता है और फिर मैं आपको क्या एडवाइस कर सकती हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिवाइन मैस्कुलिन। सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन को ही देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो। गाइस अकेले रहना चाहते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन, मैं तो कहूंगी प्लीज उनको अकेला छोड़ दो। जब तक वो ना बात करे आपको भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कहीं नहीं जाएंगे, और अगर चले भी जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको पता है कभी ख़त्म नहीं होती, तो जस्ट लीव देम अलोन, जस्ट छोड़ दो उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं गाइस वो बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग में चले गए हैं। बहुत ज़्यादा उनको दो ऑप्शंस में से एक चुनना है, आपको और कार्मिक में से किसी एक को चुनना है। अगर वो मैरिड है या तो आपको या उनके फैमिली को चूज़ करना है, आपको या वर्क को चूज़ करना है, जिस किसी को भी चूज़ करना है उनको चूज़ करने दो, वो उनका डिसीजन है। न्यू बिगनिंग जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग की वो तैयारी करना चाहते हैं, तो वो डिसाइड करें कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, क्या चूज़ करना चाहते हैं, और ठीक है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने फैमिली को लेकर एनर्जीज रह सकती है उनकी, आपसे रिलेटेड वॉकिंग अवे की एनर्जीज रह सकती है उनकी। बट मैं आपको जैसे कह रही हूँ बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप जो भी है उनको डिसाइड करने दो, उनको उनका एक्सपीरियंस कर लेने दो। वैसे भी मैंने आपको लिख के भी दिया था कम्युनिटी पोस्ट पे, अगर आपको टाइम ट्रिगर करता है आप वैसे भी यूनियन के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है गाइस। तो वैसे भी अगर आप यूनियन के लिए तैयार ही नहीं हो तो आपका यूनियन वैसे भी कैसे होने वाला है। आप बैलेंस में आ रहे हो, आपके लाइफ आपके डीएम के लाइफ में बड़े बड़े टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ये रीडिंग आप पे भी एप्लीकेबल होता है। जो भी ये रीडिंग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलते हैं देखते हैं गाइस और डीप में। यस डीएम बहुत ही ज्यादा अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये टावर से दूर भागना चाहते हैं, ठीक है। जब वो अपने पावर में आएंगे, जो मुझे सितंबर में दिखाई दे रहा है, डीएम्स अपने पावर में सितंबर में आएंगे, तो वो आपके कनेक्शन को चूज करने के लिए फिर से रेडी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुतों के लिए सितंबर में आपके पर्सन आपको चूज करेंगे, क्योंकि 999 की एनर्जी बहुत ज्यादा है। 999 मींस एंडिंग्स, तो अगर आपको 999 ज़्यादा दिख रहा है तो फिलहाल आपका कनेक्शन अगर आपको एंड होते हुए दिखाई दे रहा है पैनिक मत करना, 9 ऑल्सो मीन सितंबर, ठीक है। तो लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, उनको एनर्जीज तो उनको मुझे ऐसा लग रहा है पेज ऑफ पेंटिकल एनर्जी के वजह से उनको देखना पड़ेगा कि उनको क्या डायरेक्शन चूज करना है, अब उनके ऊपर है। और उनको डिवाइन को देखने दो, डिवाइन को करने दो। आपको अगर कुछ भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो रही है आपके डीएम को लेकर के, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप मंदिर में जा सकते हैं, आपको जो पूजा पाठ के काम करने हैं आप वो कर सकते हैं। बट उनसे रिलेटेड कुछ भी मत कीजिए, जो भी कीजिएगा अपने लिए कीजिएगा ताकि आपको मन की शांति मिले। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर ये रीडिंग इंट्रोडक्शन ही आपके साथ मैच होता है तो पहले ही बोल दे रही हूँ कि कॉर्ड्स कट कर दो, ठीक है। डेथ बोल रहा है मेरे बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो, तो डेथ का मतलब ये है ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन करना ज़रूरी है लाइफ में। डीएम को पता है अभी उनके लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं, और वो ड्रास्टिक चेंजेस को उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पास्ट को छोड़ के उनको फ्यूचर का दरवाज़ा चूज करना पड़ेगा। तो वो खुशी से चूज़ करते हैं या एंजाइटी से, मोस्टली तो एंजाइटी से ही चूज़ करेंगे, दुखी होके चूज़ करेंगे। खुश होके तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहे आसार, तो जैसे भी चूज़ करें वो उनके और डिवाइन के बीच की बात है, हमारा इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, ना ही हमें उन चीज़ में कोई इंटरेस्ट होना चाहिए। गाइस मैं तो आपको कहूँगी डिवाइन फेमिनिन प्लीज़ टेक अ ब्रेक, ये जर्नी से ही ब्रेक ले लो और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा स्टेबल करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करो, ठीक है। और डिवाइन फेमिनिन के कार्ड्स हम अब देख रहे हैं, ठीक है। देखिए गाइस डिवाइन फेमिनिन के लिए भी टावर मोमेंट्स चल रहे हैं, बट ये टावर मोमेंट्स आपको सिर्फ प्योर और भी ज़्यादा एक हीलर बनाने के लिए हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग आप में से टैरो और ये सब में आना चाहते हो, या हीलिंग करना चाहते हो, या नेचर के साथ करना चाहते हो, आपको पेट्स बहुत पसंद है या जो भी बहुत पसंद है,
तो आपकी एनर्जी नर्चरिंग वाली हो रही है, तो आपको थोड़ा सा एंजल एनर्जी में लाया जा रहा है, आपको एंजल ऑफ लव फिर से बनाया जा रहा है, आपको अपनी प्योरिटी में रिस्टोर किया जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा एंजल एंजल वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। पेशेंस, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आप पेशेंस अगर नहीं है आपको, तो आप वैसे भी रेडी नहीं हो इस जर्नी के लिए, और ये बिल्कुल आया है टावर के ऊपर, ये मेरे को दिखाना ज़रूरी था गाइस। तो अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि ये स्ट्रैटर्जी बनाएंगे और उनको अपनी जिंदगी में वापस लाने की कोशिश करेंगे, सब आप पे उल्टा पड़ने वाला है। डोंट इवन बॉदर, मैं तो आपको कहूँगी कि टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस जर्नी। मतलब रीडिंग नहीं भी देखनी हो तो मत ही देखो कुछ महीनों तक, मैं तो ये भी आपको सजेस्ट करूँगी। टैरो कार्ड रीडर होके मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप लोग रीडिंग नहीं देखना चाहते हो तो कम से कम एक 30 डेज का, अपने आप को 40 डेज का ही ब्रेक दे दो और जाओ कहीं रिलैक्स करो, और मत ही देखो रीडिंग्स भी अगर आप नहीं देखना चाहते हो। आपको आपका बैलेंस रिस्टोर करने की ज़रूरत है यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन, तो ये बैलेंस आ रहा है आपके लिए। आपके अंदर ही आपको फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी को कैसे भी करके बैलेंस करना है, ठीक है, तो ये करना ज़रूरी है गाइज। आप लोगों को थ्रोट चक्रा में अगर आपको ब्लॉकेजेस या फील हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा थ्रोट के इश्यूज हो रहे हैं, तो आपका थ्रोट चक्रा खुल रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन जो है जो मैस्कुलिन एनर्जी में चले गए थे, तो अगर आप अपने एनर्जी में वापस रिस्टोर हो रहे हो तो आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, ठीक है। इन दी एंड गाइज आपके DM आपके पास ही आएंगे, दे डू लव यू, दे ट्रूली लव यू। मैन होल्डिंग अ हार्ट में यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं फैला रही हो DM के अगेंस्ट, मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ कि आपको ब्रेक की ज़रूरत है ताकि आप अपने इनर सेल्फ को बैलेंस कर पाओ और अपनी थोड़ा खुशी से जी पाओ। और इसका मतलब ये भी है, मुझे एंजल ऑफ लव में दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की ज़रूरत है आपको, बहुत ज़्यादा आपके हार्ट को केयर नर्चर करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो आर्कएंजल शैमुएल के साथ में बहुत ही जल्द इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन कराने का प्लान बना रही हूँ, मे बी नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे करेंगे इसको। मैं आपको बहुत ही जल्दी मतलब कम्युनिटी पेज पे इन्फॉर्म कर दूंगी, या जुलाई के फर्स्ट वीक में करेंगे इसको। अगर आप ये करना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैं तो वैसे करने ही वाली हूँ, आपको करना है तो आपको पार्टिसिपेट करना होगा। चलिए देखते हैं जर्नी का क्या निकल के आता है यहाँ पर। केमिस्ट्री, रोमांटिक फीलिंग्स, वर्थ वेटिंग फॉर, कोडिपेंडेंसी, यू डिजर्व लव। देखिए गाइस क्लियरली आ रहा है डिवाइन फेमिनिन डिजर्व्स लव। यहाँ पे मुझे ऐसा कोडिपेंडेंसी वाला बहुत ज़्यादा इश्यूज लग रहा है, आपको DM को छोड़ नहीं पा रहे हो, कि मतलब उनको ब्रेक नहीं दे पा रहे हो जो ब्रेक उनको चाहिए। अगर उन्होंने आपको सीधे से बोला है कि गिव मी अ ब्रेक, तो दे दो ना भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है। देखिए अगर आप उनको नहीं छोड़ोगे तो आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप यस ये आपके ट्विन फ्लेम है, अगर आपको ऐसा डाउट आ रहा है कि ये मेरे पर्सन है कि नहीं, 100% ये आपके ट्विन फ्लेम है, डाउट आ रहा है तो अपने आप डाउट पे काम करें, बिकॉज इट अगर आप डाउट करते हो तो आपके ट्विन फ्लेम भी आप पे डाउट करेंगे। तो समझ रहे हो आप इस बात को, तो मैं कह रही हूँ कि आप इस चीज़ पे बिल्कुल काम करें कि यस ये मेरा ट्विन फ्लेम है, तो इस पे पूरा ट्रस्ट करने की कोशिश करें ताकि इनका आपके DM का आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट बन सके, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड ठीक है, आने वाले टाइम में आपके कनेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि यस आपकी इश्यूज़ को हील किया जाएगा और वो आपको एक चांस देंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक चाहे ये सारी हीलिंग और ट्रिगरिंग जो आपको मिल रही है, उसके बाद एंड ऑफ द डेक एनर्जीज है पैशन। मुझे अभी भी और अभी तो डिवाइन मैस्कुलिन की तो क्या ही बात करने, करंट एनर्जीज उनकी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा वो DS के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं और अपने आप को रोक नहीं पा रहे, लाइक हंग्री वाली फीलिंग है। तो एकदम ही इसके ऊपर मैं नेक्स्ट रीडिंग में चर्चा डिटेल में करूँगी, मैं इसको मेरे को डिटेल में देखना पड़ेगा, हम इसको नेक्स्ट रीडिंग में और डिटेल में लेके जाएंगे। DM की ही फीलिंग्स आपके लिए पूरा मतलब अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जा रहा है, अभी आपको टावर लगेगा गाइज, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपके DM आपके पास वापस आ जाएंगे, तो डोंट फील सैड। अगर वो आपको ऐसे कर रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, उनको भी ब्रेक दीजिए, अपने आप को भी ब्रेक दीजिए, जाकर कहीं छुट्टी मना कर आइए,
ठीक है, तो लेट्स सी। वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है, फ्रेंड्स के साथ जाइए लोनावला, खंडाला या कहीं आपके नज़दीक वाले हिल स्टेशन, क्यों घर पे बैठे हो। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या एडवाइस मिलता है आपको जर्नी से रिलेटेड। मुझे एडवाइस मिल रहा है, ओके, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन्स इनसिक्योरिटी, प्लीज़ अपने रूट चक्रा पे फोकस करें। आप में से बहुत ज़्यादा अगर ये रीडिंग से बहुत ही ज़्यादा मतलब रेजोनेट कर रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप रूट चक्रा के क्रिस्टल्स पहने, चाहिए तो मुझसे खरीदे, चाहिए तो पर्सनल रीडिंग लेकर के मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपको क्या पहनना चाहिए। पर अगर आप जनरली ये देख के लेना चाहते हैं तो आप रेड जैस्पर ले सकते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रूट चक्रा इश्यूज हो गए हैं, हार्ट चक्रा में भी प्रॉब्लम है बहुतों को। अगर आपको इनर चाइल्ड वूंड्स और ये सब है और आपको लग रहा है कि मैं कहीं से तो अपनी हीलिंग की शुरुआत करूँ तो कहाँ से करूँ, तो हार्ट चक्रा से शुरुआत कीजिए। और अगर आपको चाहिए तो हीलिंग के लिए अगर आपको कोई क्रिस्टल लेना है तो मुझसे लेना चाहते हो तो ग्रीन एवेंट्यूरिन एंड रोज क्वार्ट्ज जो है उसका कॉम्बिनेशन मैं आपको रेकी चार्ज करके दूंगी, वो भी आप ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल रीडिंग करके भी अपने लिए क्रिस्टल्स खरीद सकते हो। बट अगर आप ऐसे ही ले लेना चाहते हो और सिर्फ क्रिस्टल पे ही इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फियर्स एंजाइटी हो रही है कि ये मुझे क्यों छोड़ने के लिए बोल रहा है तो रेड जैस्पर पहन ले। और अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो रहा है और आप दोनों भी पहन सकते हो, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे को दोनों चाहिए तो आप दोनों भी ले सकते हो। या तो आप सीधा ट्विन फ्लेम ब्रेसलेट पहन सकते हो, इसमें आप लोगों को रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा सबके ब्रेसलेट में ही, एक ही ब्रेसलेट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये बनाया ही स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए गया है, क्योंकि स्मोकी क्वार्ट्ज रूट चक्रा के लिए, आपका सारा नेगेटिविटी और ये सब हटाने के लिए, फिर सेक्रल चक्रा इमोशनल ब्लॉकेजेस के लिए, और फिर स्मोकी क्वार्ट्ज और लैब्राडोराइट, फिर आपको लैब्राडोराइट क्राउन के चक्रा के लिए है कि इंट्यूशन और जो है आप अपने मेडिटेशन अलग अलग तरीके के कर पाए, एस्ट्रल ट्रैवल और ये सब के लिए है। तो आप अगर ये खरीदना चाहते हो ट्विन फ्लेम ब्रेसलेट तो इसी में आपके बहुत सारे पर्पस सर्व हो जाते हैं, तो यू कैन कॉल मी फॉर दैट ऑल्सो। चलिए देखते हैं चार्म्स क्या निकल के आते हैं। बहुत ही ज़्यादा अल्फाबेट्स निकल के आए हैं बट मैं आपको सब बताऊंगी। ठीक है, लेट्स सी कि क्या अल्फाबेट्स निकल के आए हैं, पहले मैं ही देख लूँ गाइस। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा, यहाँ पे आ रहा है मुझे क्रेजी क्रेजी बड़ा सुनाई दे रहा है। आपके डीएम आपको क्रेजी समझते हैं, बहुतों के लिए पागल समझते हैं, वो आपको क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, मतलब ये कुछ रियलिटी नहीं होती, ऐसे बहुत ज़्यादा डीएम सोच रहे हैं। मुझे बहुतों के लिए मॉम सुनाई दे रहा है, मॉम करके बड़े वूंड्स हो सकते हैं। बट एनी वेज लेट्स गो ऑन टू द अल्फाबेट्स, तो वो है सी और आर, ठीक है, जेड है, एल है, ठीक है, जेड है, एल है, एस है, जी है, मुझे एस ए जी, मुझे कहीं ना कहीं संगीत सुनाई दे रहा है, एस ए जी भी है यहाँ पे। सैजिटेरियस भी हो सकते हैं आप में से बहुत सारे लोग, या आपके पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस इन म्यूजिक मिलेंगे। डब्ल्यू एम है यहाँ पे और ओ भी हो सकता है, बहुतों के पर्सन का नाम, मतलब बहुतों के नहीं, ऑब्वियसली किसी किसी के ट्विन फ्लेम का नाम मोहित भी हो सकता है, मुझे ऐसे सुनाई दिया। ठीक है, रघु भी हो सकता है, पता नहीं मैं क्यों बोल, पता नहीं आज तो नाम भी आ रहे हैं। तो चश्मा पहन सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका यूनियन तब होगा जब आप दोनों कंप्लीट इंडिविजुअल्स बन जाओगे, कंप्लीटली फ्लरिश्ड, आपकी पूरी हीलिंग हो जाएगी, तो आपका यूनियन होना गारंटेड होगा। यूनियन होगा गाइज, आप मिले हो इस जन्म में तो यूनियन होगा, थोड़ा भरोसा रखो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि टाइम के ऊपर ट्रिगर होने का कोई बात नहीं बनता यहाँ पे। फ्लावर, ये पर्सन आपके पास एक फ्लावर लेके आना चाहते हैं पर फिलहाल मास्क रख के बैठे हैं, जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि नहीं बताएंगे, इन पर्सन ने आपको अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं बताई होंगी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है गिटार, मैसेजेस इन म्यूजिक, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता है, उनको भी पता है कि ये डेस्टिन्ड है। ठीक है, केज टू फील करें, लॉक टू फील करें, मूछ रख सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। और कहीं ना कहीं लव तो आ ही रहा है, प्लस मतलब आपके पर्सन ऐसे नहीं है
मतलब मुझे बहुतों के लिए आ रहा है आपके पर्सन सीए में हो सकते हैं या सीए कर सकते हैं, ये कुछ लोगों के लिए है या कोई गवर्नमेंट जॉब या मतलब कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है काफी क्वालिफाइड है आपके पर्सन, लेकिन एक ही क्वालिफाइड का आया है, आपका नहीं पता कि आप क्वालिफाइड हो कि नहीं इतने, बट आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा ये हो सकते हैं या बहुत ही ज्यादा फेमस पॉपुलर हो सकते हैं या काफी ज्यादा फॉरेन यूनिवर्सिटी से MBA किए हुए हो सकते हैं। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।